नमस्कार साथी साथी, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्ना का एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि संबंधित विकासखंड के अंतर्गत आने वाले समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखंड अजयगढ़ जिला मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ है। पत्र अतिथि शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा खास है। पत्र जो है 2 दिसंबर 2023 को जारी हुआ। इसका विषय यदि हम देखें, रिक्त पद पर रखे गए अतिथि शिक्षकों के दोगुना मानदेय भुगतान के संबंध में बिल प्रस्तुत करने बाबत। इससे एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि संबंधित पत्र में अतिथि शिक्षकों को दोगुना मानदेय भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए हैं और उसी के आधार पर बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आइए पत्र का अवलोकन करते हैं। उपरोक्त विषय अंकित आपके विद्यालय अंतर्गत रिक्त पद पर रखे गए अतिथि शिक्षकों के स्थान पर उच्च पद का प्रभार वाले शिक्षकों ने उपस्थिति दे दी है, तो उस अतिथि शिक्षक का मानदेय उस विद्यालय से आहरित नहीं होगा। ये बड़ा बिंदु है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी विद्यालय पर अतिथि शिक्षक पदस्थ है और वहां उच्च पद परिवार से शिक्षक आ चुके हैं, तो संबंधित अतिथि शिक्षक का जो मानदेय है वह उस विद्यालय से आहरित नहीं होगा। यदि आपके द्वारा मुक्त नहीं किया गया है तो उसका मानदेय का भुगतान आपको अपनी वेतन से देना होगा। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि जो संबंधित संकुल प्राचार्य है वो क्या आप स्वयं की वेतन से संबंधित अतिथि शिक्षक का वेतन भुगतान करेंगे। माह अक्टूबर 2023 के अतिथि शिक्षकों के देयक के साथ संकुल प्राचार्य इस बाबत प्रमाणीकरण देंगे कि देयक में अंकित अतिथि शिक्षक रिक्त पद पर कार्य कर रहे हैं। यदि पद रिक्त न होने की स्थिति में आपके द्वारा नियम विरुद्ध भुगतान कराया जाता है तो यह जवाबदेही संबंधित प्राचार्य की होगी और गलत आहरण का भुगतान स्वयं अपनी वेतन से दे होगा। पत्र अपने आप में काफी ज्यादा खास है और ऐसे अतिथि शिक्षक जो उच्च पद परिवार वाले स्थान पर ऐसी शालाओं पर कार्य कर रहे हैं जहां उच्च पद परिवार से शिक्षक आ चुके हैं, वो डीपीआई के निर्देश अनुसार संबंधित अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाना है। ऐसे अतिथि शिक्षकों की ये पत्र चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि पत्र बहुत जल्द वायरल होते हैं और संबंधित सभी मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके पास ये पत्र पहुंच चुका होगा और वीडियो के माध्यम से भी अतिथि शिक्षकों के पास ये जानकारी पहुंच रही होगी। उम्मीद यही है कि जल्द विभाग इस पर कोई निर्णय लेगा और अतिथि शिक्षक इस चीज को लेकर जरूर विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं उनके सम्मुख इस बिंदु को जरूर उठाएं, ताकि समय रहते इसका कोई निराकरण हो सके और संबंधित अतिथि शिक्षकों को बिना किसी रुकावट के वेतन आहरण हो सके। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।